जय हिंद डियर स्टूडेंट्स, फिजिक्स का जो हमने सीरीज स्टार्ट किया था प्रैक्टिस सेट के फॉर्म में, उसका सेकंड पार्ट आप लोगों के लिए रेडी है। सभी बच्चे जल्दी से कनेक्ट हो जाइए। जैसा कि हमने फर्स्ट पार्ट देखा था बच्चों, फर्स्ट पार्ट में हमने 25 क्वेश्चन किए थे, आप सभी लोगों ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था उसमें। आइए हम सेकेंड पार्ट की तरफ चलते हैं। तो सेकेंड पार्ट के क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमें दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेडिएशंस विल हैव मैक्सिमम पेनेट्रिंग पावर, यानी कि इनमें से सबसे ज्यादा भेदन क्षमता किस विकिरण की होती है। तो हम सबको पता है अल्फा और बीटा की जो भेदन क्षमता होती है वो गामा से कम होती है एक्स किरणों से, या गामा की यहाँ पे भेदन क्षमता क्या होती है, इन सभी में सबसे ज्यादा होती है। सबसे ज्यादा भेदन क्षमता वाला जो विकिरण है, जो रे है, कौन सा बच्चों, गामा है। सेकेंड क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन हमें दिया गया है, सेकेंड क्वेश्चन है कि हमारा जो नाभिक होता है, जो न्यूक्लियर होता है, उसमें कौन कौन से उपस्थित रहते हैं, इनमें से कौन कौन हमारे नाभिक में उपस्थित होते हैं। तो नाभिक में जनरली बच्चों क्या होता है, नाभिक में केवल क्या उपस्थित होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स। ध्यान से देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है, नाभिक के बाहर होता है। इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है, नाभिक के बाहर होता है। नाभिक के अंदर कौन होता है, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। प्रोटॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। और न्यूट्रॉन जो होता है कैसा होता है, चार्जलेस होता है, यानी कि आवेश रहित होता है, इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है। तो नाभिक के अंदर की बात की जाए तो नाभिक के अंदर कौन कौन उपस्थित होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। थर्ड क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमें न्यूमेरिकल दिया गया है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन किस तरह से दिया गया है कि एक हवाई जहाज 500 मीटर की ऊंचाई से क्षितिज में 360 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से उड़ रहा है। कोई हवाई जहाज है जो 500 मीटर की हाइट पर, कितनी हाइट पर उड़ रहा है, 500 मीटर्स की हाइट पर क्या कर रहा है, फ्लाई कर रहा है, जिसका वेलोसिटी कितना दिया गया है, 360 किलोमीटर पर आर। हमसे पूछा जा रहा है कि जब ये जमीन पर स्थित बिंदु ए के ठीक ऊपर था और इससे एक बम छोड़ा जाता है, जो कि जमीन पर किस बिंदु पर जाकर गिरता है, बी बिंदु पर जाकर गिरता है, तो ए से बी बिंदु के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी। क्वेश्चन बड़ा आसान है, देखिएगा। हमें बताया जा रहा है कि कोई हवाई जहाज है जो जमीन से ए बिंदु के कहाँ उड़ रहा है बच्चों, ऊपर की तरफ उड़ रहा है, यानी कि ए बिंदु से जस्ट ऊपर कौन उड़ रहा है, हमारा एक हवाई जहाज है, जो कि किस वेलोसिटी के साथ जा रहा है। वेलोसिटी इसका दिया गया हमें कितना, वेलोसिटी इसका दिया गया हमें 360 किलोमीटर पर आवर। कितना दिया गया, 360 किलोमीटर प्रति घंटा। और इसकी हाइट कितनी बताई गई हमें, हाइट बताई गई 500 मीटर। कितनी हाइट बताई गई है, 500 मीटर। इस हवाई जहाज से हमने क्या किया है, एक बम को क्या किया है, गिराया है। तो बम सबसे पहले तो किस पाथ पे जाएगा, पैराबोलिक पाथ पे जाएगा। किस पाथ पे जाएगा, पैराबोलिक पाथ पे जाएगा, परवलयाकार मार्ग पर जाएगा। जब ये परवलयाकार मार्ग बनाएगा तो किस तरह से जाएगा, जो बम होगा इस तरह से गिरेगा और अर्थ पर किसी पॉइंट बी पर जाकर ये गिरता है। हमसे पूछा गया है कि ए से बी के बीच का डिस्टेंस कितना होता है। ये जो डिस्टेंस पूछी गई है हमसे, ए से बी के बीच में डिस्टेंस कितना होगा, तो ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले तो हमें हाइट दिया 500 मीटर और इसकी स्पीड दी गई कितनी, 360 किलोमीटर पर आवर। यहाँ देखिएगा, ये मीटर में दिया गया है, मीटर पर आवर में दिया गया है। सबसे पहले हम किलोमीटर पर आवर को क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं मीटर पर सेकेंड। तो 360 किलोमीटर पर आवर को हम यदि चेंज करते हैं तो क्या तरीका है, 5/18 से क्या कर देते हैं, हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 18 2 36, 20 × 5 कितना होता है बच्चों, 20 × 5 हो जाता है 100। तो कितना हो जाता है, इसका स्पीड जो है कितना हो जाता है, 100 मीटर पर सेकेंड। तो जो एरोप्लेन दिया गया है, इसका स्पीड हमें 360 किलोमीटर पर आर दिया गया था, जिसको हमने चेंज किया है यदि मीटर पर सेकेंड में, तो कितना मिला हमें, 100 मीटर पर सेकेंड। इस एरोप्लेन का जो स्पीड है वो कितना है बच्चों, 100 मीटर पर सेकेंड। और इसका जो हाइट दिया गया, किस हाइट पे उड़ रहा है, इसका हाइट दिया गया है 500 मीटर। कितना हाइट दिया गया है, 500 मीटर। अब हम सबको पता है यदि किसी भी ऑब्जेक्ट को हम ऊपर से नीचे गिराते हैं, क्या करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को जब ऊपर से नीचे गिराते हैं तो उसका इनिशियल वेलोसिटी यानी कि उसका प्रारंभिक वेग हम क्या मानते हैं, जीरो मानते हैं। तो इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा बच्चे, जो बॉम्ब गिराया जा रहा है इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या है, जब ये बॉम्ब ऊपर से नीचे आ रहा था तो जीरो। और ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो एक्सेलरेशन काम कर रहा है वो एक्सेलरेशन कौन सा है, लीनियर एक्सेलरेशन ना होते हुए कौन सा होगा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जब कोई ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाता है तो कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसे हम अप्रोक्सीमेटली कितना मान लेते हैं, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितना मानते हैं बच्चों, कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा, हमें बताया, हमसे पूछा जा रहा है कि ए से बी की डिस्टेंस कितनी होगी।
ऐसे बी की क्या पूछी जा रही है, डिस्टेंस। तो हमें यदि स्पीड का फॉर्मूला पता हो, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, यानी कि डिस्टेंस अपॉन टाइम, क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमारे पास यहाँ पे क्या दिया गया है, स्पीड हमारे पास है ऑलरेडी, क्या है हमारे पास, स्पीड है। यदि हमें टाइम मिल जाए तो हम क्या बता सकते हैं, डिस्टेंस बता सकते हैं। टाइम निकालने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, सेकेंड लॉ की यूज करेंगे। हम सेकेंड लॉ की तरफ चलते हैं, यदि मोशन के सेकेंड लॉ की तरफ चलते हैं, सेकेंड लॉ क्या दिया गया था, एच इज इक्वल्स यूटी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, क्या दिया गया था, लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से सेकंड लॉ क्या दिया गया था भाई, यहाँ पे इक्वेशन देखें तो सेकंड इक्वेशन क्या दी गई थी, यूटी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। अब यहाँ पे इस इक्वेशन में देखें भाई, तो एच कितना दिया गया है, 500 मीटर, कितना दिया गया है, 500 मीटर। हमारा इनिशियल वेलोसिटी चूंकि जीरो है, तो जीरो इंटू टी प्लस हाफ जी का वैल्यू हम कितना पुट कर लेते हैं, 10 इंटू टी स्क्वायर, कितना रखेंगे, 10 इंटू टी स्क्वायर। अब इसको सोल्व किया जाए तो ध्यान दीजिएगा, आगे इधर हम बात करते हैं, तो 500 इज इक्वल्स जीरो इंटू टू, तो क्या हो, जीरो इंटू टी क्या हो जाएगा, जीरो, तो कितना बचता है, हाफ इंटू 10 टी स्क्वायर, क्या बचता है हमारे पास, हाफ इंटू 10 टी स्क्वायर। इसको और आगे सॉल्व करते हैं हम लोग, तो 500 इज इक्वल्स 10 का हाफ कितना हो जाता है, 5 5 टी स्क्वायर। यदि यहाँ से टी स्क्वायर का वैल्यू फाइंड करते हैं हम लोग, तो कितना मिलता है हमें, 500 अपॉन 5, जो कि कितना निकल के आता है, 100। 100 किसका स्क्वायर होता है बच्चों, 100 किसका स्क्वायर होता है, 10 का। तो टी इज इक्वल्स कितना सेकंड मिला हमें, 10 सेकंड। तो ध्यान से समझिएगा, हमारे पास स्पीड है, हमारे पास है टाइम है, हमारे पास स्पीड आ गया है, हमारे पास टाइम आ गया, हम क्या करते हैं, वैल्यूज को पुट करते हैं। जब वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, डिस्टेंस आ जाता है। स्पीड हमें कितना दिया गया है, 100 मीटर पर सेकंड दिया गया है, अभी हमने फाइंड किया है, ये कितना दिया गया है, 100 मीटर पर सेकंड। 360 को जब हमने कन्वर्ट किया तो कितना मिला हमें, 100 मीटर पर सेकंड। डिस्टेंस हमें फाइंड करना था, डिस्टेंस को हमने एक्स पुट कर दिया, यहाँ पे टाइम हमें कितना मिला, 10 सेकंड। जब 100 में 10 का मल्टीप्लिकेशन किया जाता है तो कितना वैल्यू आता है, 1000, जो कि हमारा क्या है, डिस्टेंस है। तो वो वॉर्म कितनी दूर जाकर गिरता है बच्चों, 1000 मीटर की दूरी पर जाकर गिरता है, यदि इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 1 किलोमीटर। अब ऑप्शन चेक कर लेते हैं, ऑप्शन क्या दिए गए, ऑप्शन दिए गए मीटर में, तो कौन सा मीटर चेक, कौन सा ऑप्शन सही हमारा मैच कर रहा है, थर्ड वाला ऑप्शन। वॉर्म जो होगा कितने किलो, कितने मीटर दूर जाकर गिरेगा, 1000 मीटर दूर जाकर गिरेगा, 1000 किलोमीटर की डिस्टेंस क्या करेगा, ट्रेवल करेगा। बड़ा आसान क्वेश्चन है यदि कॉन्सेप्ट पता है हमें तो। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, फोर्थ क्वेश्चन हमें दिया गया है कि 50 मीटर लंबाई की दो रेलगाड़ियां एक दूसरे को विपरीत दिशा में पार कर रही है, एक दूसरे को क्या कर रही है, अपोजिट डायरेक्शन में क्या कर रही है, पार कर रही है। बच्चों ध्यान समझिएगा, यहाँ पे आपको रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में पता होना चाहिए। दो रेलगाड़ियां कर रही है, एक इस डायरेक्शन में जा रही है और एक इस डायरेक्शन में जा रही है, दोनों की जो लेंथ दी गई वो कितनी दी गई, 50 मीटर। जो लेंथ दी गई वो कितनी दी गई, 50 मीटर। आगे हमें क्वेश्चन में बोला गया कि यदि इनके वेग क्रमशः क्रमशः ये पहली वाली रेलगाड़ी जिसको हमने ए नाम दे दिया, ये दूसरी वाली रेलगाड़ी जिसको हमने बी नाम दे दिया, ए का जो वेलोसिटी वो कितना है, 10 मीटर पर सेकंड, और बी का जो वेलोसिटी वो कितना है बच्चों, 15 मीटर पर सेकंड, कितना है, 15 मीटर पर सेकंड। ध्यान दीजिएगा, रिलेटिव वेलोसिटी में दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो दोनों का वेलोसिटी क्या हो जाता है, एड हो जाता है, दोनों का वेलोसिटी क्या हो जाता है, एड हो जाता है। और हमसे बोला क्या गया, एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगी, ये रेलगाड़ियां एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेगी। तो ध्यान समझिएगा, पहले तो हमें दोनों के डिस्टेंस के बारे में पता करना होगा, तो डिस्टेंस कितनी हो जाती है, यहाँ से डिस्टेंस यदि निकालते हैं तो 50 मीटर की एक रेलगाड़ी है, दूसरी रेलगाड़ी भी 50 मीटर की है, कितना हो गया टोटल डिस्टेंस, कितना हो गया 100 मीटर, इनको डिस्टेंस क्या करना है, ट्रेवल करना है। इनकी स्पीड क्या है बच्चों, स्पीड है, एक की स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड और एक की स्पीड है 15 मीटर पर सेकेंड। यदि दोनों को ऐड करते, ऐड क्यों कर रहे हैं, इसका लॉजिक समझ में आया, रिलेटिव वेलोसिटी हो रही है, कौन सी वेलोसिटी चल रही है, रिलेटिव वेलोसिटी हो रही है, और रिलेटिव वेलोसिटी में जब अपोजिट डायरेक्शन में दो ऑब्जेक्ट जाते हैं तो दोनों का वेलोसिटी क्या हो जाता है, एड हो जाता है। तो इनका वेलोसिटी कितना हो जाता है, 25 मीटर पर सेकेंड, कितना हो जाता है, 25 मीटर पर सेकेंड। फिर से हम स्पीड का फॉर्मूला लगाते हैं, स्पीड इज इक्वल्स क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस हमें दिया गया है कितना, 100 मीटर, और टाइम हमें निकालना है, स्पीड हमें पता है, टाइम हमें निकालना है, टाइम को हमने पुट कर दिया टी, स्पीड हमारे पास कितनी बच्चों, स्पीड हमारी है 25 मीटर पर सेकेंड, कितनी है स्पीड, 25 मीटर पर सेकेंड। तो टाइम निकालते हैं, टाइम बड़ी आसानी से निकल जाता है, 100 अपॉन 25, कितना आता है, 4 टाइम्स क्या होता है ये, तो कितने सेकंड लगेंगे एक दूसरे को, हम उनको क्रॉस करने में, एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा, 4 सेकंड, कितना लगेगा बच्चों, 4 सेकंड। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, पांचवा क्वेश्चन हमें दिया गया है,
यहां थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, समतली नहीं है, समतापी प्रक्रम है। कौन सा है? समतापी प्रक्रम है। हमसे क्वेश्चन बोला जा रहा है कि समतापी प्रक्रम में गैस की विशिष्ट ऊष्मा कितनी होती है। क्या बोला गया? समतापी प्रक्रम में गैस की विशिष्ट ऊष्मा कितनी होती है? हमसे बोला गया कि आइसोथर्मल प्रोसेस में किसी गैस का जो स्पेसिफिक हीट होता है वो कितना होता है। सबसे पहले हमें स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला पता होना चाहिए। स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला क्या है? एस इज इक्वल डेल्टा क्यू अपॉन एम इन टू डेल्टा टी, एम इन टू डेल्टा टी। अब यहां पे बोला गया समतापी प्रक्रम, आइसोथर्मल प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस बताई गई है? आइसोथर्मल प्रोसेस बताई गई है। सभी बच्चों का आंसर आ गया क्या? देवेंद्र डी बता रहे हैं, गौरव ए, दिव्यांश बी, गौरव बी। चलिए चेक करते हैं इसके आंसर को। तो फॉर्मूला जो होता है, एस इज इक्वल डेल्टा क्यू अपॉन एम इन टू डेल्टा टी, जो कि डेल्टा क्यू होता है वो क्या होता है? हीट चेंज होता है। किसी ऑब्जेक्ट को दिया गया हीट या उससे लिया गया हीट होता है। एम क्या होता है? उस ऑब्जेक्ट का मास होता है। और डेल्टा टी क्या होता है? टेम्परेचर में जो चेंजेस आते हैं। यहां से देखा जाए तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए आइसोथर्मल प्रोसेस में होता क्या है। ध्यान देना, आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर चेंज क्या होता है बच्चों? जीरो होता है। टेम्परेचर के चेंज क्या होता है? जीरो होता है। जब हमने थर्मोडायनामिक्स पढ़ा था तो थर्मोडायनामिक्स में मैंने आपको प्रोसेस बताई थी, आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस या एडियाबेटिक प्रोसेस के बारे में जब हमने बात की थी, तो उसमें क्या देखा था कि जब आइसोथर्मल प्रोसेस होती है, समतापी प्रक्रिया होती है, उसमें डेल्टा टी चेंजेस टू जीरो, यानी कि तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जिसकी किसके लॉ के ऊपर बेस्ड होता है? बॉयल्स लॉ के ऊपर बेस्ड होता है। यहां पे यदि डेल्टा टी की वैल्यू मैं जीरो कर दूं, डेल्टा टी चेंज टू जीरो कर दूं, तो डेल्टा क्यू अपॉन एम इनटू डेल्टा टी की जगह जी जीरो रख दिया जाए किसी भी इक्वेशन में, जीरो का जब डिवाइडेशन किया जाता है, भाग दिया जाता है, तो जो वैल्यू मिलता है वो कितना मिलता है बच्चों? इनफाइनाइट। तो उसका स्पेसिफिक हीट कितना होगा? इनफाइनाइट होगा। कितना होगा बच्चों? इनफाइनाइट होगा, अनंत होगा। कितना होगा? इनफाइनाइट होगा। कितने बच्चों ने सही आंसर किया है? कितने बच्चों ने सही आंसर किया इसका? चलिए वेरी गुड, काफी सारे बच्चों का आंसर सही आया है यहाँ पे। तो इसका स्पेसिफिक हीट कितना होगा? इनफाइनाइट होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिएगा। अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है, इन एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट द ऑब्जेक्ट यूज्ड इज, यानी किसी कृत्रिम उपग्रह के अंदर उपयोग किया जाता है, इनमें से किसको उपयोग किया जाता है? जल्दी से आंसर करें इस चीज का, जल्दी से आंसर करें इस क्वेश्चन का, जल्दी आंसर करें बच्चों। जल्दी से आंसर करिए सब लोग। ओम त्रिपाठी, वैभव ए ऑप्शन बता रहे हैं, ए ऑप्शन दिया गया है, स्प्रिंग वॉच। चलिए देखिएगा, तो देखिएगा यदि किसी सैटेलाइट के अंदर यदि हम किसका यूज करने लगेंगे? पेंडुलम वॉच का यूज करने लगेंगे, सिंपल पेंडुलम के ऊपर बेस्ड वॉच का यूज करने लगेंगे। सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है वो कितना होता है? 2 पाई अंडरवुड ऑफ एल अपॉन जी। सिंपल पेंडुलम होता है जो बेसिकली किस पे डिपेंड करता है? लेंथ पर और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पर। अब किसी भी सैटेलाइट की बात करते हैं हम लोग, जब सैटेलाइट पे जाते हैं तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या हो जाता है? जीरो। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जीरो होने के कारण हम क्या बोलते हैं कि इसका जो टाइम पीरियड होगा वो कितना हो जाएगा? इन्फाइनाइट। टाइम पीरियड इन्फाइनाइट हो गया मतलब क्या? आपकी जो वॉच होगी वो काम करना क्या कर देगी? बंद कर देगी। इसीलिए हम क्या बोलते हैं, जो हमारे एस्ट्रोनॉट वगैरह होते हैं या फिर जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं या फिर किसी बार किसी सैटेलाइट पे जब जाया जाता है तो कौन सी वॉच का यूज किया जाता है? स्प्रिंग वॉच का यूज किया जाता है, यानी कि स्प्रिंग वाली घड़ी का यूज किया जाता है। कारण क्या? क्योंकि स्प्रिंग वाली जो स्प्रिंग पेंडुलम होता है उसका टाइम पीरियड कितना होता है? टी इज इक्वल टू पाई अंडर रूट ऑफ एम बाय के, जहां एम क्या होता है? मास होता है, और के क्या होता है? स्प्रिंग कॉन्स्टेंट होता है। यहां से हम श्योरली कह सकते हैं क्या कि जो स्प्रिंग पेंडुलम होता है कभी भी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पर डिपेंड नहीं करता है। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पर डिपेंड नहीं करता, इन द सेंस इसके ऊपर ग्रेविटी का कोई इफेक्ट होता नहीं है। कितने बच्चों ने सही आंसर किया है? चलिए शाबाश, सभी बच्चों का आंसर सही है। मयूर, गौरव, देवेंद्र, प्रशांत, दिव्यांश, वैभव, ओमकार, सभी बच्चों का आंसर लगभग लगभग सही है। आइए बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेवेंथ क्वेश्चन दिया गया हमें कि इनसाइड वाटर एन एयर बबल बिहेव्स, यानी कि पानी के अंदर एक हवा का बुलबुला किस तरह का व्यवहार करने लगता है। पानी के अंदर हवा का बुलबुला किस तरह का व्यवहार करता है? जल्दी से आंसर करें सभी लोग। वैभव बिल्कुल सही आंसर है बेटा। माहेश्वर, प्रशांत, गलत आंसर आया है। यदि इस क्वेश्चन का आंसर आप ए बता रहे हैं, गलत आ रहा है।
विशाल, मयूर, बिल्कुल सही जवाब। जल्दी आंसर करो बेटा। चलिए, महेश्वर गलत, गौरव, ओम त्रिपाठी बिल्कुल सही बात बेटा। चलिए आइए देखिएगा, यदि हम बात करते हैं किसकी, एयर बबल की बात करते हैं, हवा के बुलबुले की बात करते हैं, तो हवा का बुलबुला बेसिकली कैसा होता है बच्चों, कॉन्वेक्स होता है। कैसा होता है? कॉन्वेक्स होता है, यानी कि उत्तल होता है। कैसा होता है? उत्तल। लेकिन जब हम एयर बबल को कहाँ लेके जाते हैं, पानी के अंदर, वाटर के अंदर डीप करते हैं, तो ध्यान से समझिएगा, मैंने एक थ्योरी समझाई थी आप लोगों को, डेंसिटी का रोल समझाया था। यदि किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे लिक्विड में डिप किया जाए जिसका डेंसिटी ऑब्जेक्ट से क्या हो, ज्यादा हो, जिस डेंसिटी क्या हो, ऑब्जेक्ट से ज्यादा हो, तो क्या होता है, उस कंडीशन में बिहेवियर चेंज करने लगते हैं। तो इस कंडीशन में जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा बच्चों, हमेशा अवतल लेंस की तरह काम करने लगता है। किसकी तरह काम करने लगता है? हमेशा अवतल लेंस की तरह, यानी कि ऑलवेज लाइक ए कॉन कॉनकेव लेंस, ऑलवेज लाइक ए कॉनकेव लेंस। महेश्वर, गौरव, ओम, देवेंद्र, सभी का आंसर ठीक है, क्लियर बेटा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि जब प्रकाश एक प्रिज्म में से गुजरता है तो कौन से रंग की किरण का विचलन सबसे कम होगा। जब हमारी जो लाइट होती है वो कहाँ से गुजरती है, प्रिज्म से पास होती है, कहाँ से पास होती है, प्रिज्म से, तो कौन से कलर का विचलन सबसे कम होता है, डेविएट्स कौन सा कलर सबसे कम होता है, तो कौन सा कलर सबसे कम डेविएट होता है, रेड। कारण क्या है, कारण क्या है इसकी, वेवलेंथ। कारण क्या होता है इसका, वेवलेंथ होता है। क्या होता है इसका कारण, इसकी वेवलेंथ, बिल्कुल सही जवाब। दिव्यांश, मयूर, वैभव, सही जवाब बेटा। गौरव और विशाल गलत जवाब है, ठीक है। तो रेड कलर क्या होता है, सबसे कम ज्यादा विचलित होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, वन एटॉमिक मास यूनिट इज इक्विवेलेंट टू, यानी कि परमाणु द्रव्यमान का मात्रक किसके तुल्य होता है, परमाणु द्रव्यमान का मात्रक किसके तुल्य होता है। जल्दी से जवाब दें इसका, जल्दी से जवाब दें, जल्दी से आंसर करें बच्चों, जल्दी से आंसर करें इसका। एक परमाणु द्रव्यमान मात्रक किसके तुल्य होता है, जल्दी आंसर करें। पढ़ाया गया है आप लोगों को कितना होता है, 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोला जा सकता है जिसको, कितना बच्चों, 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या फिर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको हम कह सकते हैं। डी वाला ऑप्शन इसका क्या होगा, सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया हमें कि एक कार किन्हीं दो स्थानों के बीच की दूरी का प्रथम आधा भाग 40 किलोमीटर प्रति घंटा और द्वितीय आधा भाग 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है, तो कार की औसत चाल क्या होगी, हमसे एवरेज स्पीड पूछी गई है। क्या पूछी गई है, एवरेज स्पीड। जल्दी से आंसर करें इस क्वेश्चन का, जल्दी से आंसर करें इस क्वेश्चन का, एवरेज स्पीड बताना आप लोगों को। प्रशांत, दिव्यांश, मयूर, मयूर का बिल्कुल ठीक जवाब, प्रशांत, दिव्यांश, गौरव गलत जवाब बेटा। जल्दी आंसर करें, मयूर बिल्कुल सही। चलिए चेक करते हैं, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो हमें क्या बोला गया है कि कोई कार है वो दो स्थानों के बीच की आधी दूरी, कितनी दूरी बच्चों, आधी दूरी। अनिकेत बिल्कुल सही जवाब, गौरव बिल्कुल सही जवाब, ओमकार सही है बेटा, दिव्यांश सही है, विशाल गलत जवाब है, विशाल जवाब गलत है। समझिएगा, जब भी हमसे क्या किया जाता है, पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में कोई कार यदि ट्रेवल कर रही है, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक कोई कार ट्रेवल कर रहा है, कोई ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रहा है, मूव कर रहा है, और क्या करे वो अपनी डिस्टेंस को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दे, इक्वली टू पार्ट्स में जब डिवाइड करता है, ये हाफ पार्ट हो गया इस डिस्टेंस का, ये सेकेंड पार्ट हो गया, ये भी हाफ है, ये भी हाफ है, तो इस कंडीशन में क्या होता है बच्चों, भले उनका वेलोसिटी अलग हो, भले उनका स्पीड अलग हो, स्पीड क्या हो, भले उनका अलग हो, यहाँ पे स्पीड कितना उसका d1 है, यहाँ पे स्पीड कितना है d2 है, भले उसका कुछ भी हो, तो इसकी एवरेज स्पीड जब हम निकालते हैं, इस कंडीशन में जब हम एवरेज एवरेज स्पीड निकालते हैं, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला जो बनता है वो क्या बनता है बच्चों, 2v1 v2 / v1 + v2।
क्योंकि डिस्टेंस को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। यहां से यदि इसको सॉल्व करते हैं हम तो एवरेज स्पीड निकालते हैं भाई, एवरेज स्पीड जब निकालते हैं तो क्या निकलता है, 2 इंटू 40 इंटू 60 अपॉन 60 प्लस 40 या 40 प्लस 60 बोल सकते हैं। इसको जब सॉल्व करते हैं तो क्या निकलता है बच्चों, एवरेज स्पीड 4800 अपॉन 100। इसको जब सॉल्व करते हैं तो कितना बचता है, 48, जो कि कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है हमारा, बी वाला। कौन सा ऑप्शन मैच करता है, बी वाला, यानी कि उस कार का एवरेज स्पीड क्या होगा, 48 किलोमीटर पर आर। कितना होगा, 48 किलोमीटर पर आर। किशन बिल्कुल सही जवाब बेटा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमें दिया गया, यदि दो द्रव्यमानों के बीच की दूरी दुगनी कर दिया है तो उनके बीच का गुरुत्वाकर्षण बल कितना हो जाएगा। दो द्रव्यमानों के बीच की दूरी दो गुनी कर दी जाए तो उनके बीच का गुरुत्वाकर्षण बल कितना हो जाएगा। जल्दी आंसर करें। चलिए गुरुत्वाकर्षण बल की बात हो रही है तो फॉर्मूला पता होना चाहिए हमें। फॉर्मूला क्या होता है, एफ इज इक्वल्स जी इंटू एम वन एम टू बाय आर स्क्वायर, एम वन एम टू बाय आर स्क्वायर। यहाँ पे हमसे क्या बोला गया है, ये जो आर होता है क्या होता है, दो ऑब्जेक्ट के बीच का क्या होता है, डिस्टेंस होता है, दूरी होता है। ये दूरी को कितना कर दिया गया है, दो गुना कर दिया गया है, तो कितना हो जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स देख लेते हैं, जी इंटू एम वन इंटू एम टू बाय आर की जगह कितना कर दिया गया है, डिस्टेंस कितनी गई कर दी गई, हाफ कर दी गई, तो इसका क्या बच्चों, होल स्क्वायर। जब इसको होल स्क्वायर करते हैं तो क्या निकलता है हमारे लिए, एफ कितना निकलता है, जी इंटू एम वन एम टू बाय वन बाय फोर आर स्क्वायर। तो कितने टाइम्स हो जाता है, 1/4 टाइम्स, यानी कि कितना हो जाता है, घटकर कितना रह जाता है, क्वार्टर रह जाता है, यानी कि एक चौथाई रह जाता है, एक चौथाई बच जाता है। कितने बच्चों का जवाब सही है, अनिकेत गौरव बिल्कुल सही जवाब, मयूर बिल्कुल सही, किशन गलत, दिव्यांश ई वाला तो ऑप्शन ही नहीं, हाँ ठीक है यहाँ पे ई दिया हुआ है, ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है बेटा बिल्कुल सही जवाब। प्रशांत बी नहीं आएगा, कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। ध्यान रखिएगा इस 4 को इधर नहीं लेके आएंगे आप लोग, इस 4 को इधर ट्रांसफर नहीं करेंगे, ये गलती नहीं करना है, मैंने काफी बार समझाया क्लास के अंदर, इस 4 को इधर ट्रांसफर नहीं करना है, गलती नहीं करना है, एक चौथाई रह जाएगा, क्वार्टर रह जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया, एक समतल दर्पण एक वस्तु की ओर 10 सेंटीमीटर पर सेकंड की चाल से गति कर रहा है तो वस्तु प्रतिबिंब, वस्तु जो है समतल दर्पण की तरफ किस चाल से आएगी। तो बताया गया आप लोगों को कि समतल दर्पण की तरफ यदि कोई ऑब्जेक्ट किसी भी स्पीड से चलता है तो इमेज भी उस मिरर की तरफ क्या करती है, उसी स्पीड से चलने लगती है। ऑब्जेक्ट हमारा किस स्पीड से आ रहा था, 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड से, तो जो इमेज है उसकी, इमेज भी किस स्पीड से आएगा बच्चों, 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड से ही आएगा। किससे आएगा, 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड से ही आएगा, अर्थात कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, बी वाला। कौन सा, बी वाला। दर्पण के सापेक्ष पूछा है, ध्यान रखिएगा किसके रेस्पेक्टिवली पूछा है, मिरर के रेस्पेक्टिवली पूछा है। यदि ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्टिवली पूछता तो 20 हो जाता, कितना हो जाता, 20, लेकिन पूछा किसके रेस्पेक्टिवली है, मिरर के रेस्पेक्टिवली। तो मिरर की तरफ जिस स्पीड से ऑब्जेक्ट आएगा उसी स्पीड से क्या करेगा, इमेज भी आएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। काफी सारे बच्चों ने सही जवाब दिया है, विशाल गौरव किशन अजय सही जवाब बेटा। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। एक खोखले गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है कितनी है, 5 न्यूटन पर कूलाम है, इसके केंद्र पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा। जल्दी से आंसर करें, सभी बच्चों का जवाब आ रहा है 5 न्यूटन पर कूलाम। ध्यान दीजिएगा, किसी खोखले गोली चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है, कितनी होती है, जीरो होती है, बिकम जीरो। कितनी हो जाती है बच्चों, जीरो हो जाती है, 5 नहीं होगा, सेम नहीं रहेगा, कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। किसी खोखले चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी रहती है, जीरो मानते हैं हम। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होती है, जीरो होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, खोखले चालक के केंद्र पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है। ऑप्शन कौन सा होगा, ए होगा, ऑप्शन ए होगा। सभी बच्चे बाद में सही जवाब दे रहे हैं, पहले गलत दे दिया, चलिए कोई बात नहीं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया कि फ्यूज तार के अभिलक्षण क्या होने चाहिए, व्हाट शुड बी द, चलिए
क्वेश्चन क्या पूछा गया कि किसी फ्यूज तार के अभिलक्षण क्या होने चाहिए, किसी फ्यूज तार के क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। जल्दी से आंसर करें मयूर, क्या डाउट है बेटा? मयूर डाउट हो तो पूछो बेटा, इसका आंसर करें बाकी लोग। मयूर सर, अगर नॉन कंडक्टेड हो तो, नॉन कंडक्टर हो तो फिर उस पर वही रहेगा जो पहले था। मयूर यदि नॉन कंडक्टर हो तो वही रहेगा जो पहले था, रिमेन सेम रहेगा। अभी हमारा अगला क्वेश्चन है कि फ्यूज तार के लक्षण क्या होने चाहिए, फ्यूज तार की प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए, फ्यूज तार कैसा बनाया जाना चाहिए। सबसे पहले तो फ्यूज तार के बारे में पता होना चाहिए बच्चों, फ्यूज तार क्यों लगाया जाता है और कैसे लगाया जाता है। ठीक है, तो फ्यूज तार की क्वालिटी क्या होनी चाहिए, इसका लो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए और हाई रेजिस्टिविटी होना चाहिए, यानी कि आसानी से गल जाना चाहिए, और प्रतिरोधकता क्या होनी चाहिए, उच्च होनी चाहिए, रेजिस्टिविटी क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। कौन सा ऑप्शन मैच करेगा? डी वाला। कौन सा ऑप्शन मैच करेगा? डी वाला। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो लो होना चाहिए और इसकी रेजिस्टिविटी कैसी होनी चाहिए? हाई होनी चाहिए। रेजिस्टिविटी कैसी होनी चाहिए? हाई होनी चाहिए। रेजिस्टिविटी बोले या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोले, एक ही बात है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को ही रेजिस्टिविटी बोला जाता है। तो क्या होना चाहिए, किसी भी फ्यूज तार की प्रॉपर्टी क्या होती है कि इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए? लो होना चाहिए, और उसकी रेजिस्टिविटी क्या होनी चाहिए? हाई होनी चाहिए। सी ऑप्शन गलत है, उच्च गलन नहीं होना चाहिए। यदि आपने उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई कर दिया, पहली बात तो फ्यूज तार लगाया क्यों जाता है? फ्यूज तार लगाया जाता है घर में जो हमारे विद्युत उपकरण लगे उनको खराब होने से बचाने के लिए। बेसिकली क्या होता है, जब लाइट ज्यादा आती है तो फ्यूज तार क्या हो जाता है, गल जाता है और क्या कर जाता है, टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है। तो उसको ब्रेक होने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या रखना पड़ेगा? लो रखना पड़ेगा। मेल्टिंग पॉइंट लो होगा तो आसानी से क्या कर जाएगा, टूट जाएगा। आयुष गलत जवाब है, प्रशांत गलत जवाब बेटा, देवेंद्र गलत जवाब है, मयूर बिल्कुल सही। लो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए और हाई रेजिस्टिविटी होना चाहिए उसके पास, तभी जाके क्या होगा, फ्यूज तार की प्रॉपर्टी बनेगी। अगला, यदि आपने क्या कर दिया इस क्वेश्चन में, हाई मेल्टिंग पॉइंट रखा तो कोई काम का नहीं रहेगा आपका फ्यूज तार। अगला क्वेश्चन दिया गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इनमें से कौन सी विद्युत चुंबकीय किरणें नहीं है, विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है। विद्युत चुंबकीय तरंगे किसे बोलते हैं? सबसे पहले तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स किसे बोलते हैं हम लोग, जिनको ट्रेवल करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, वैक्यूम में भी क्या कर सकती है, ट्रेवल कर सकती है, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, निर्वात में भी क्या कर सकती है, गमन कर सकती है। तो ध्यान से देखिएगा, एक्स किरणें कैसी होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, गामा रेस कैसी होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, कॉस्मिक रेस भी कौन सी होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, यानी कि तीनों ऑप्शन नहीं हो सकते। बीटा रेस कौन सी नहीं होती बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेस नहीं होती है, कौन सी नहीं होती है, बीटा रेस। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा, सी वाला, बाकी सारे ऑप्शन क्या है हमारे, गलत है। ये सारे के सारे क्या हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं। कौन सा नहीं होता इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, बीटा रेस। सभी बच्चों का सही है, देवेंद्र गलत है बेटा, कॉस्मिक रेस तो क्या होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होती हैं। बेसिकली 7 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को हम पढ़ते हैं, कितने तरह की पढ़ते हैं हम, 7 तरह की, जिसमें लाइट को पढ़ते हैं हम, एक्स रेस को पढ़ते हैं, कॉस्मिक रेस को पढ़ते हैं, बीटा रेस को पढ़ते हैं, यूवी रेस को पढ़ते हैं, रेडियो रेस को पढ़ते हैं, है ना, 7 इनके टाइप्स कितने बताए जाते हैं, 7। अगला क्वेश्चन बताया गया कि लेंज का नियम किस नियम के संरक्षण के तुल्य होता है, लेंज का लॉ जो होता है किसके कंजर्वेशन पर काम करता है। जल्दी से आंसर करें इस क्वेश्चन का, लेंज लॉ किसके ऊपर बेस्ड होता है, लेंज का नियम किसके ऊपर बेस्ड होता है, जल्दी से आंसर करें। अनिकेत क्लियर हो गया बेटा, ठीक है, अच्छी बात है। इस क्वेश्चन का आंसर क्लियर करें, इस क्वेश्चन का आंसर दें जल्दी से, इस क्वेश्चन का आंसर दें। देवेंद्र गलत जा रहे हो, देवेंद्र गलत जा रहे हो बेटा, बाकी सभी बच्चों का जवाब बिल्कुल सही, बिल्कुल सही जवाब। लेंज लॉ जो होता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर काम करता है, ऊर्जा संरक्षण के नियम पर काम करता है, किसके नियम पर काम करता है, ऊर्जा संरक्षण के नियम पर काम करता है। अगला क्वेश्चन, एक वस्तु सरल रेखा में 7 मीटर प्रति सेकंड के प्रारंभिक वेग एवं 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से गति कर रही है, गति के 5वें सेकंड में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी बताना है आपको, 5th सेकंड में उसके द्वारा ट्रेवल किया गया डिस्टेंस बताना है, जल्दी से आंसर करें।
पांचवें सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी वो? जल्दी आंसर करें बच्चों, जल्दी से आंसर दें इसका। पांचवें सेकंड में उसकी डिस्टेंस बताना, आप बताना है कितने डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो ध्यान दीजिएगा, पर्टिकुलर फिफ्थ सेकंड में पूछा गया है, पांचवें सेकंड में पूछा गया है। फॉर्मूला होता है एंथ सेकंड में ट्रेवल डिस्टेंस का, एस एन इज इक्वल्स यू प्लस हाफ ए टू एन माइनस वन। ये कौन से सेकंड में होता है? पर्टिकुलर किसी फिक्स सेकंड में ट्रेवल किए गए डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है। यदि यहां से एस एन बताना है हमें कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो एस एन कौन से सेकंड में पूछा गया है? पांचवें सेकंड में पूछा गया है, तो एस फाइव लिखेंगे हम लोग। आगे देखिएगा, यू इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी गई? सेवन प्लस हाफ, ए का वैल्यू कितना दिया गया? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और 2 इंटू n कितना बच्चों? 5 माइनस 1। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, बड़ा आसान क्वेश्चन बन गया है। तो S5 इज इक्वल्स 7 प्लस, इससे जो कैंसिल करते हैं 4 को तो कितने टाइम्स होता है? 2 टाइम्स। तो 2 इंटू 2 इंटू 5 यानी कि 10 बोल सकते हैं हम डायरेक्टली, 10 माइनस 1। यहां से इसको सॉल्व करते हैं, तो S5 इज इक्वल्स 7 प्लस 9 इंटू 10, 9 इंटू 2 18, कितना होता है? 7 प्लस 18 25 मीटर। तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा बच्चों? वो 25 मीटर डिस्टेंस क्या करेगा? ट्रेवल करेगा। कौन से सेकंड में? फिफ्थ सेकंड में। कौन से सेकंड में? फिफ्थ सेकंड में। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? ए वाला। काफी सारे बच्चों का बी लगा है, सी लगा है, गलत बता रहे हो। कौन सा ऑप्शन मैच करेगा? ए वाला। मयूर, ओम, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। माहेश्वर, अजय, किशन, बिल्कुल सही बच्चों। समझ में आ रहा है सभी लोगों को? जल्दी से कमेंट करिए, समझ में आ रहा है सभी लोगों को? किसी क्वेश्चन में डाउट तो नहीं है बच्चों? किसी क्वेश्चन में कोई किसी प्रकार का डाउट तो नहीं है? अभी तक किए गए क्वेश्चंस में डाउट तो नहीं है बच्चों? जल्दी से कमेंट करें। नो डाउट मयूर, बहुत अच्छे। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया, एक बॉल को, एक गेंद को 200 मीटर ऊंचाई से गिराया जाता है, गिरती है। प्रथम 3 क्रमागत सेकंड में तय की गई दूरियों का अनुपात बताना है। जल्दी से आंसर करें। चलिए अच्छी बात है, यदि कोई भी डाउट नहीं हो रहा है तो बहुत अच्छे। जल्दी से इस क्वेश्चन को सोल्व करें। आपको रेशियो बताना है प्रथम 3 सेकेंडों में, अल्टरनेटिव सेकेंड्स में या क्रमागत सेकेंड में कितनी दूरियों का अनुपात होगा, उसके द्वारा चली गई दूरियां क्या होंगी। जल्दी से, ये भी कौन से फॉर्मेट पे बेस्ड है बच्चों? एंथ सेकेंड में ट्रेवल किए गए डिस्टेंस पे बेस्ड होगा। तो एस एन इज इक्वल्स, फॉर्मूला क्या होगा? यू प्लस हाफ ए टू एन माइनस वन। अब ध्यान से देखा जाए तो हमारे पास यहाँ पे यू और ए नहीं है, लेकिन फिर भी हम ये तो कह सकते हैं कि पहले सेकंड में, दूसरे सेकंड में और तीसरे सेकंड में कैसे डिस्टेंस ट्रेवल होगी। काफी सारे बच्चों का जवाब आ गया है। चलिए तो फर्स्ट सेकंड में हम बात करते हैं, एस वन में बात करते हैं, तो यू प्लस हाफ ए टू एन माइनस वन यानी कि 2 इंटू 1 माइनस 1 कर सकते हैं। तो एस वन कितना मिलता है बच्चों? यहां से हमें यू प्लस ए बाई टू, 2 इंटू 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 2 ही रहेगा। कितना रहेगा बच्चों? 2 रहेगा, 2 से 2 कैंसिल हो सकता है। तो एस वन कितना मिला बच्चों हमें? यू प्लस ए। क्या मिला बच्चों? यू प्लस ए मिलता है यहां से। सेकंड, दूसरे सेकंड की बात करते हैं, तो एस टू इज इक्वल्स क्या मिलेगा बच्चों? यू प्लस हाफ ए 2 इंटू 2 माइनस 1 मिलता है। यहां से एस टू को फाइंड करते हैं जब हम लोग, तो क्या मिलता है? यू प्लस ए बाई टू इंटू 2 इंटू 2 माइनस 1 3 बचेगा। कितना बचेगा बच्चों? 3। तो एच टू का वैल्यू कितना आता है? यू प्लस 3 बाई 2। कितना आता है? 3 ए बाई 2 आता है। इसी तरह से एस थ्री को सोल्व कर लेते हैं हम लोग। एस थ्री जब निकालते हैं तो क्या मिलेगा? यू प्लस हाफ ए 2 इंटू 3 माइनस 1, 2 इंटू 3 6 माइनस 1 कितना हो जाएगा बच्चों? एस थ्री कितना निकल के आता है यहां से? यू प्लस 5 बाय 2 ए। कितना आता है? 5 बाय 2 ए। जब तीनों इक्वेशन को मिलाते हैं हम, एस वन इस टू एस थ्री, जब इनको निकालते हैं तो क्या मिलता है बच्चों?
1:2:3, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे 1a बोल सकते हैं हम लोग, यहाँ 3a, यहाँ 5a, क्या बोल सकते हैं, 1:3:5। तो जो रेशियो निकल के आया वो कितना आया, 1:3:5 का, कितना आता है बच्चों, 1:3:5 का। तो जो ऑप्शन होता है मैच, वो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है हमारा, ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, थर्ड ऑप्शन, 1:3:5, 1:3:5, सभी बच्चों का सही है। मयूर, कोई बात नहीं बेटा, क्वेश्चन को ठीक से समझा करो, उसके बाद आंसर दिया करो, जल्दबाजी हमेशा खतरनाक होती है। मंजीत को 2n-1 वाला लॉजिक समझ में नहीं आ रहा है। मंजीत ध्यान से समझना, जब हमसे किसी पर्टिकुलर फिक्स सेकंड में पूछा जाता है, नॉर्मली किसी सेकंड में निकालने के लिए डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, एस इज इक्वल्स यूटी प्लस हाफ 80 स्क्वायर, जो कि इक्वेशन ऑफ मोशन के हिसाब से सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है हमारी, है ना बच्चों, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है। लेकिन जब हमें किसी पर्टिकुलर सेकंड में निकालना होता है, जैसे कोई कार 6 सेकंड के लिए चली, कितने सेकंड के लिए चली, 6 सेकंड के लिए, लेकिन हमसे पूछा जाए कि तीसरे सेकंड में वो कितनी चली थी, तो कौन सा सेकंड पूछा गया, फिक्स सेकंड पूछा गया, फिक्स सेकंड कौन सा, थर्ड, थर्ड सेकंड में हमें बताना कितनी चली। तो उसके लिए क्या होता है, एक अलग से फॉर्मूला दिया गया बच्चों, फॉर्मूला क्या है, SN इज इक्वल्स यू प्लस हाफ ए 2n-1, एक पर्टिकुलर फिक्स फॉर्मूला दिया गया है, फॉर्मूले के हिसाब से आंसर निकल रहे हैं बच्चों। समझ में आया मंजीत, समझ में आया मंजीत, ठीक है बेटा। मयूर, इस तरह की गलतियां नहीं करना बेटा, जल्दबाजी में आंसर कभी नहीं करना, हमें आता है बहुत अच्छी बात है, लेकिन जल्दबाजी नहीं करें, उसको पहले सोचे समझे उसके बाद आंसर करें। चलिए आगे देखिएगा, हमसे बोला गया कि स्टेपर ट्रांसफार्मर जो होता है और उसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितने होते हैं, यानी कि फेरों की संख्या कितनी होती है, एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर में, एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर में, स्टेप अप ट्रांसफार्मर में नंबर ऑफ टर्न्स कितने होते हैं, फेरों की संख्या कितनी होती है। तो ध्यान देना बच्चों, जो ऊंचाई ट्रांसफार्मर होता है इसकी कितनी कितनी कॉइल्स होती हैं, दो कॉइल होती हैं, जिसकी प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या क्या होती है, कम होती है। तो ऑप्शन कौन सा मैच करेगा, ए वाला, प्राइमरी कॉइल में, प्राइमरी जो कॉइल होती है उसमें नंबर ऑफ टर्न्स क्या होते हैं, कम होते हैं। तो ऑप्शन कौन सा हो, वीर गलत है बेटा आंसर, वीर आंसर गलत है, बिल्कुल सही, फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या क्या होगी, कम होगी। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 क्या दिया गया कि सूक्ष्म तरंगों का रडार में रूप उपयोग किए जाने का कारण क्या है, रडार में हम सूक्ष्म तरंगों का उपयोग क्यों करते हैं भाई, जल्दी से आंसर करें, रडार में हम सूक्ष्म तरंगों का उपयोग क्यों करते हैं। रडार में सूक्ष्म तरंगों का उपयोग करने का एक ही कारण है बच्चों, इनकी जो वेवलेंथ होती है वो क्या होती है, स्मॉल होती है, स्मॉल वेवलेंथ के कारण क्या करते हैं हम लोग, इसको कहाँ यूज करते हैं, रडार में यूज करते हैं, ताकि क्या हो, छोटा से छोटा ऑब्जेक्ट क्या हो जाए, हमें पकड़ में आ जाए, इसकी वेवलेंथ लो होती है, इसलिए हम रडार में किसका यूज करते हैं, सूक्ष्म तरंगों का, यानी कि माइक्रोवेव का। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 21, न्यूटन का द्वितीय नियम किससे संबंधित होता है या किसको संबंधित करता है, न्यूटन सेकेंड लॉ जो होता है किसको रिलेट करता है, सभी बच्चों ने जल्दबाजी में आंसर कर दिया है ए, ठीक से ऑप्शंस को देखो, ठीक से ऑप्शंस को देखो उसके बाद आंसर करो, जल्दबाजी में दिया गया आंसर गलत होता है। मयूर बिल्कुल सही, वीर बिल्कुल सही, देखना बच्चों जो न्यूटन सेकेंड लॉ दिया गया था वो क्या था, एफ इज इक्वल्स, या एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी बाय डेल्टा टी, डेल पी अपॉन डेल टी था, नहीं था। तो जो सेकेंड लॉ होता है वो किस किस के बीच में रिलेशन बनाता है, चेंज इन मोमेंटम एंड फोर्स, किसमें, चेंज ऑफ मोमेंटम एंड फोर्स, किस किस के बीच में रिलेशन बनाता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम एंड एक्सटर्नल फोर्स के बीच में क्या बनाता है बच्चों, रिलेशन बनाता है। काफी सारे बच्चे क्या करते हैं, एफ इज इक्वल्स एम इन टू ए, एफ इज इक्वल्स एम इन टू ए, यानी कि मास और एक्सेलरेशन,
मास और एक्सेलरेशन। काफी सारे बच्चे पहले ऑप्शन में उलझ जाते हैं। एम को क्या समझ लेते हैं, मोमेंटम। मोमेंटम को रिप्रेजेंट किया जाता है किससे, पी से। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, पी से, ना कि एम से। यहाँ जो एम होता है क्या होता है, मास होता है। तो मास और एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट तो करता है, लेकिन साथ ही साथ किसके बीच में रिलेशन बताता है, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम एंड एक्सटर्नल फोर्स। इन दोनों के बीच में क्या बनाता है बच्चों, रिलेशन बनाता है। इसके काफी सारे एग्जांपल्स दिए जाते हैं, काफी सारे क्या दिए जाते हैं, एग्जांपल दिए जाते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा प्रचलित एग्जांपल कौन सा होता है कि जो क्रिकेट का खिलाड़ी होता है वो गेंद कैच पकड़ते समय हाथों को क्या करता है, पीछे की तरफ पुश करता है, पीछे की तरफ क्या करता है, खींचता है। तो उसका कारण क्या होता है, किस लॉ पे बेस्ड होता है, वो सेकेंड लॉ पर बेस्ड होता है। तो कौन सा आंसर मैच करेगा, संवेग में परिवर्तन की दर एवं बल को क्या करता है, वो संबंधित करता है। अगला क्वेश्चन 22 नंबर, क्वेश्चन नंबर 22 क्या दिया गया, कि जब टेम्परेचर बढ़ाया जाता है, तापमान बढ़ाया जाता है, तो जो स्वरित्र होता है उसकी फ्रिक्वेंसी पे क्या चेंज आता है। जल्दी से आंसर करें इस क्वेश्चन का, जब टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा तो स्वरित्र की फ्रिक्वेंसी क्या बच्चों, फ्रिक्वेंसी, जो ट्यूनिंग फोर्क होते हैं उनकी फ्रिक्वेंसी पे क्या चेंज आएगा। तो क्या होता है बेसिकली, जब भी टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो ट्यूनिंग फोर्क की फ्रिक्वेंसी क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, घट जाती है। फ्रिक्वेंसी हमेशा क्या होती है, टेम्परेचर बढ़ाने पर डिक्रीज होती है, खासकर इनकी जो स्वरित्र होते हैं, जो वाद्य यंत्र होते हैं, उनकी फ्रिक्वेंसी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। बी वाला ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन, बी वाला, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये जो सी बता रहे हैं वो गलत होता है। रिमेन सेम कभी नहीं रहता है, सेम कभी नहीं होता है, चेंज होता है। फ्रीक्वेंसी कैसे चेंज होती है, फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है बच्चों, डिक्रीज होती है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, डिक्रीज होती है। क्वेश्चन नंबर 23 दिया गया, एक कुलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछी गई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछे गए हैं एक कूलम चार्ज में, 1 कूलम चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जल्दी आंसर करें, बिल्कुल सही, बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। 6.25 × 10⁻¹⁸, 6.25 × 10⁻¹⁸ इलेक्ट्रॉन्स, 10⁻¹⁸ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 6.25 × 10⁻¹⁸ इलेक्ट्रॉन्स। बड़ा इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 24 दिया गया, एक लोहे की गेंद को गर्म किया जाता है, निम्न में से किसमें प्रतिशत वृद्धि सबसे ज्यादा होगी, किसमें सबसे ज्यादा वृद्धि होगी बताइए, उसके डायमीटर में, सरफेस एरिया में, वॉल्यूम में, या डेंसिटी में, व्यास, पृष्ठ क्षेत्रफल, आयतन या घनत्व। किसी लोहे की गेंद को यदि गर्म किया जाए तो सबसे ज्यादा वृद्धि किसमें होगी, सबसे ज्यादा चेंज किसमें आएगा, सबसे ज्यादा चेंज किसमें आएगा। जल्दी आंसर करें, सी, बिल्कुल सही, उसके वॉल्यूम में सबसे ज्यादा चेंज आता है। किसमें चेंज आता है, सबसे ज्यादा वॉल्यूम में, सबसे ज्यादा चेंज कौन होता है, वॉल्यूम होता है। जब भी किसी लोहे को या किसी भी मेटल से बने पदार्थ को गर्म किया जाता है तो सबसे ज्यादा चेंज किसमें आता है, उसके वॉल्यूम में आता है। बिल्कुल सही जवाब सभी लोगों का। लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 में हमें बताया गया कि एक पिंड पर एक काला धब्बा है, किसी बॉल पर क्या है, काला धब्बा है, यदि पिंड को गर्म किया जाए और अंधेरे कमरे में ले जाया जाए तो धब्बा जो होता है चमकदार दिखाई देने लगता है, इसे किस नियम के द्वारा समझाया गया है। क्वेश्चन क्या किया गया कि कोई बॉल है, उस बॉल के ऊपर क्या कर दिया गया है, एक काला धब्बा बना हुआ है, उस काले धब्बे, उस बॉल को यदि हम क्या करें, गर्म करें और उसको अंधेरे कमरे में ले जाएं तो बॉल क्या करने लगेगा, चमकने लगेगा, शाइन करने लगेगा, किसके नियम से समझाया गया है, किसके नियम से बताया गया है। तो ध्यान देना बच्चों, मैंने अभी कुछ दिन पहले आपको हम हीट एंड टेम्परेचर वाला टॉपिक पढ़ रहे थे उसमें समझाया था आप लोगों को क्या, कि किरचॉफ ने जो लॉ दिया था, और किरचॉफ के लॉ के हिसाब से क्या बताया गया था कि किसी भी वस्तु की अवशोषण क्षमता, क्या बच्चों, अवशोषण क्षमता और उत्सर्जन क्षमता का अनुपात क्या होता है, हमेशा नीतांक होता है। अवशोषण और उत्सर्जन क्षमता का अनुपात जो होता है हमेशा क्या होता है, नीतांक होता है, कॉन्स्टेंट बना रहता है। ये किसके लॉ के हिसाब से बताया गया था, किसके लॉ के हिसाब से बताया गया था, किरचॉफ लॉ के हिसाब से बताया गया था, यानी कि किरचॉफ के नियम में सिद्ध किया गया है कि जब किसी बॉल को क्या किया जाए, गर्म किया जाए, खासकर उसके ऊपर ब्लैक डॉट हो और उसको गर्म किया जाए, तो वो कैसा होगा बच्चों,
अंधेरे कमरे में ले जाने पर कैसा होगा, चमकदार दिखाई देने लगेगा, यानी कि कौन सा ऑप्शन होता है, सी वाला ऑप्शन होता है। तो ये हमारा सेकेंड पार्ट था जो सीरीज हमने स्टार्ट की है अभी तक। आई होप सभी बच्चों के क्वेश्चंस जो होंगे वो सही किए होंगे, आंसर जो आप लोगों ने दिए हैं। अगली सीरीज आपके पास थर्ड सीरीज कल के दिन में मिल जाएगी आप लोगों को, तो बने रहिए इस सीरीज के साथ और क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहिए। जय हिंद। कल 8 बजे आपको फिर से थर्ड सीरीज आपको मिल जाएगी इस पार्ट की। घनो लंबो हो यार यो तो यो।